कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। यह मणिचूल और रविचूल, ये दो प्रकार के जो देव, जो दो भाई थे जिनके नाम कल आपको बताए थे, एक अमित तेज थे और एक बोलो श्री विजय थे, विजय श्री नहीं श्री विजय थे। पुरुषों के नाम के पहले श्री लगाया जाता है और स्त्रियों के नाम के बाद में श्री लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखो। जो भी शास्त्रों में नाम मिलते हैं उनमें पुरुषों के नाम के पहले श्री होता है। अगर विजय श्री कह दोगे तो ये स्त्री का नाम हो जाएगा, और श्री विजय बोलोगे तो ये पुरुष का नाम हो जाएगा। ऐसे भी नाम रखने की परंपरा होती है। तो जो मुख्य रूप से श्री विजय थे और उनके भाई थे जिनका नाम अमित तेज था, क्या था यह अमित तेज, तो रविचूल नाम के देव बने और श्री विजय मणिचूल नाम के देव बने। देव बनने से पहले ये दोनों विद्याधर भाई जो कि धार्मिक भी थे और प्रतापी भी थे, इन दोनों भाइयों ने मुनि महाराजों के दर्शन भी किए, उनके लिए आहार दान आदि का देने का सौभाग्य भी उन्हें मिला। एक बात और विशेष जो यहां पर आप लोगों को बताना है कि जब ये दोनों भाई ये सुन लिए थे कि हमारी एक महीने की आयु शेष बची है, उससे पहले भी ये दोनों भाई केवली भगवान के उपदेश को सुने थे, और इसमें जो श्री विजय थे इनके पिता कौन थे, त्रिप्रष्ठ नारायण थे। एक बार इन्होंने अपने पिता के बारे में भी केवली भगवान से सुना था और त्रिप्रष्ठ नारायण की विभूति के बारे में भी उन्होंने सुना था, देखा था। श्री विजय के मन में अपने पिता की विभूति को देखकर के, उनके वैभव की बात सुनकर के ये भाव आया कि ऐसा ही तीन खंड का अधिपति मैं भी बनूं। कितने खंड का? नारायण त्रिखंडाधिपति कहलाते हैं, और बहुत प्रकार के राज्य वैभव के साथ में, भोग संपदा के साथ में वह अपना जीवन जीते हैं। अपने पिता की वह शोहरत देख करके उनके मन में भी भाव आया कि मैं भी अपने पिता के समान ऐसे ही राज्य भोग को करने वाला और अनेक अनेक राजाओं को अपने चरणों में बिठा करके राज सिंहासन पर बैठने वाला महा नारायण पृथ्वी को धारण करने वाला ऐसा राजा बनूं।
ये भाव आ गया था किसके मन में? श्री विजय के मन में। और जब भाव आ जाता है और वह भाव कसाय के साथ में बंध जाता है तो आचार्य कहते हैं ये निदान बंध कहलाता है। उन्होंने ऐसा निदान बंध कर लिया कि मैं भविष्य में अपने पुण्य से अपनी शक्ति से इस तरह का नारायण पदवी को धारण करने वाला श्रेष्ठ राजा बनूं, ऐसा उन्होंने निदान कर लिया था। और निदान करने के बाद में वह फिर कभी जब मुनि महाराज के दर्शन किए, उनसे अपने भव पूछे तो उन्हें पता पड़ा कि अब दोनों की आयु एक माह शेष बची है। तो दोनों ने फिर अच्छे ढंग से अपने अपने पुत्रों को राज्य देकर के और वह राज्यभार से मुक्त होकर के हर तरह से प्रसन्न होकर के घर वालों को भी प्रसन्न करके और स्वयं भी प्रसन्न होकर के उन्होंने गृह त्याग किया, संन्यास धारण किया। एक विशिष्ट बात यहां पर यह है कि जब भी कोई ऐसे पुण्य कार्य हर्ष के साथ किए जाते हैं तो उस समय पर यह देखा गया है कि विशेष रूप से अष्टानिक की पूजा करके इस तरह के पुण्य कार्य किए जाते हैं। अष्टानिक की पूजा समझते हैं? आठ दिनों की वह नंदीश्वर की पूजा ही अष्टानिक की पूजा कहलाती है। महामह नंदीश्वर की पूजा महामह वह अष्टानिक पूजा कहलाती है। ऐसी अष्टानिक पूजा करके ही ऐसे पुण्य कार्य हर्ष पूर्वक किए जाते हैं, क्योंकि आगे जब वह वैराग्य धारण करके मुनि बन जाएंगे तो फिर वह भगवान की पूजा अच्छे ढंग से द्रव्य के साथ में भावों के साथ में फिर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो लोग मुनि आदि बनते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं, तो पहले वह श्रावकोचित सब काम कर लेते हैं, जो श्रावक के लिए करने योग्य कार्य है उनसे अपना मन भर लेते हैं, ताकि फिर बाद में हमें उस चीज की कोई कमी महसूस न हो। और वह सभी पुण्य कार्य इस रूप में हो जाते हैं। तो ज्यादातर शास्त्रों में पुराणों में ये देखने सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, और इस प्रसंग में भी उत्तर पुराण जैसे महान ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उन दोनों भाइयों ने महामय नंदीश्वर की पूजा की, अष्टानिक की पूजा की, और फिर बड़े हर्ष के साथ में उन्होंने गृह त्याग किया। सुन रहे हैं ना आप लोग? जो लोग भी आगे इस तरह से मुनि बने, वैराग्य धारण करें, उनके लिए जब निकट में समय आए तो ऐसी बड़ी बड़ी पूजा अपने द्रव्य से करके अपनी इच्छा पूर्ति कर लें, उसके बाद में फिर भगवान बनने की उस शिव यात्रा पर, मोक्ष यात्रा पर निकले। ये शास्त्रों का एक अच्छा उल्लेख है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। पहले भी महामय नंदीश्वर विधान हुआ है तो उसमें भी हमने अनेक प्रसंग सुनाए हैं और उसमें भी अनेक बार बताया है कि इस तरह से महापूजा करके ही ग्रह त्याग करना चाहिए। जो भी लोग दीक्षा लेते हैं, ग्रह त्याग करते हैं, वह आजकल ये देखने में आता है कि तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, क्योंकि फिर मुनि बनने के बाद में बड़े बड़े लंबे लंबे दूरियों पर रहने वाले उन तीर्थों की यात्रा मुश्किल पड़ती है। गुरु की आज्ञा मिलती है कि नहीं मिलती है, तीर्थ यात्रा नहीं हो पाती है, तो मन में रहता है कि अभी तक तीर्थ यात्रा नहीं हो पाई। इसलिए पहले से ही सब तीर्थ यात्रा करके, जितनी आपको महापूजाएं बड़ी बड़ी पूजाएं वो सब करके बढ़िया ढंग से संतुष्ट होकर के फिर जो है मुनि बनने का, वैराग्य धारण करने का भाव करना चाहिए। इस शास्त्रोचित आपको युक्ति और तरीका बताया जाएगा, क्योंकि मन में यदि रह जाता है तो फिर वह लगा ही रहता है कि देखो अब मुनि महाराज बनकर के इतनी लंबी यात्रा करना अब संभव नहीं हो पाता और हो भी नहीं पाता। हम अपने ही जीवन में देखें तो बहुत मुश्किल से पूरा जीवन कितना सारा निकलने के बाद में बड़ी मुश्किल से, बहुत प्रार्थना के बाद में आचार्य गुरुदेव ने मुनि दीक्षा देने के बाद 2007 में
श्री सम्मे शिखर की यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। समझ रहे हैं ना, 1975 से लेके 2007 तक इतना उम्र बीतने के बाद में वह सम्मे शिखर की यात्रा शुरू हुई थी और 2007 का वह लास्ट दिन था जब सम्मे शिखर की तलहटी जो नीचे मधुबन है वहां प्रवेश हो गया था लास्ट दिसंबर के दिन। और 1 जनवरी 2008 को सबसे पहली वंदना इस जीवन की शुरुआत की थी सम्मे शिखर की। पहली वंदना थी, 2008 का पहला दिन था, बहुत अच्छा भाव था, उत्साह था। और उस समय पर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज भी विहार करते हुए सम्मे शिखर आ गए थे और उनके साथ ही वो यात्रा प्रारंभ की थी और उनसे कहा था कि सबसे पहली यात्रा आपको ही कराना है क्योंकि आप वहां रहते हैं, परिचित हैं, कहां जाना कैसे जाना आप ही लेके चलो। तो वह यात्रा में वो भी आए और उन्होंने वो यात्रा कराई। पहला दिन था, 1 जनवरी थी, खूब भीड़ थी। जब नीचे तलैटी से चलते चलते ऊपर जब क्या कहलाता है वो यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर चौपड़ा कुंड वहां पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद में पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर लिए तो उस समय पर भीड़ को देख करके महाराज प्रमाण सागर जी महाराज के मन में आया कि देखो अगर अपन सीधी यात्रा करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी क्योंकि भीड़ बहुत है, इसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अपन एक काम करते हैं, उल्टी यात्रा शुरू करते हैं और इसके लिए रास्ता हम जानते हैं। तो उन्होंने सीधा पहले पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पे चढ़ा दिया और वहां से फिर यात्रा करा करके वो सीधा जब तक वहां पहुंचे सुरेंद्रनाथ भगवान की टॉप तब तक टाइम हो चुका था और फिर उसके बाद में आगे बढ़े। लगभग मुनिसुब्रत नाथ भगवान की टॉप पे आए तो 12:15 बज गए थे। सुन रहे हो, पहला दिन था, देर लग ही जाती है और खास तौर से कुछ देर इसलिए भी लग गई थी कि उस समय पर तपोमती माता जी का संघ भी वहां पहुंच गया था। अब माता जी है तो धीरे धीरे चल पाती है तो सबको लेके चलना होता है। हम थोड़ा सा कह भी रहे थे महाराज चलो जल्दी चलो तो महाराज कहते माता जी भी है संघ में, उनको भी साथ लेके चलना है। आज पहला दिन है, पहले सबके साथ चल लेते, कल से सब अपना अलग अलग ढंग से कर लेना। तो इस तरह से करते हुए जब वहां पहुंचे मुनि सुब्रत नाथ भगवान की टॉप पर वहां सामायिक की और सामायिक करते करते मन में भाव आया कि देखो पहली वंदना की है आज जीवन में इतने महान तीर्थ की जिसके बारे में सुना करता था, आज ये पहला दिन है अपनी उम्र का। बहुत अच्छी विशुद्धि बढ़ रही थी। मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जो टोंक है उसके पीछे एक शिला है और उस शिला पर बैठ करके बढ़िया सामायिक हुई। वह शिला थोड़ी सी कुछ ऐसी भी है खतरनाक टाइप की, लेकिन वहां पर बिल्कुल जागृत होकर के अप्रमत्त भाव से बैठ करके वह सामायिक हुई और ऐसा मन में भाव आया कि पहली यात्रा है, पहली वंदना है, अनेक अनेक मुनिराज यहाँ से मोक्ष पधारे हैं, हम अभी नीचे जाएंगे। हमारा मन हो रहा है कि पहली वंदना उपवास के साथ की जाए, ऐसा मन में भाव बना लिया। और जब भाव बन गया तो फिर वह भाव बन गया माने भाव बन गया तो अपना ही भाव है तो काम हो गया। और अपने मन में इस तरह का भाव बना करके जब सामायिक उपरांत मुनि महाराजों को कहा कि आज अपना तो उपवास रहेगा तो सबने कहा कोई बात नहीं, तो अपन फिर उस उपवास के साथ ही पूरी और शेष बची हुई वंदना को करके नीचे उतर करके आए। और इस तरह से वह वंदना अपने लिए एक बहुत ही स्मरणीय वंदना बन गई। कहने का मतलब यह है कि आज अगर हम सोचते हैं तो हमने उन तीर्थों की वंदना तो कर ली जो 24 भगवान से जुड़े हुए हैं सिवाय एक अष्टापद को छोड़ करके, लेकिन अभी भी कभी कभी बावली भगवान की याद आती है। दक्षिण भारत के कर्नाटक के बावली भगवान याद आते हैं तो सोचता हूं कि अब देखो कब गुरु आज्ञा होगी, कब वह संयोग बनेगा तब तो वह यात्रा हो पाएगी। तो कहने का मतलब यह है
कि मन में भाव बने रहते हैं अगर वो हमने पहले पूरे न किए हो तो। इसलिए इस प्रकार के भावों की पूर्ति करके बड़े अच्छे प्रसन्नता के साथ में पहले के लोग भी निश्चिंत होकर के दीक्षा लिया करते थे। ये कहना चाह रहा था मैं कि महामहिम नंदीश्वर की पूजा माने बहुत बड़ी पूजा है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो उस पूजा को करके ही संतोष का भाव आता है कि हमने उन जिनालयों में जो 108 जिनबिंब है अकृत्रिम जिनालयों की वह महापूजा कर ली, माने हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। इस तरह के संतोष भाव से फिर वह दीक्षा आदि के भाव जब बनते हैं तो बड़ा संतोष भाव से वह दीक्षा के साथ में उनका जीवन निकलता है और वह इस तरह से अपना पूरा श्रावकोचित काम करके उन्होंने संलेखना ली, प्रायोपगमन मरण धारण किया और मरण करने के उपरांत वह जो 13वां स्वर्ग था वहां पर वह 20 सागर की आयु दोनों को मिली और दोनों उस एक ही विमान में वह उत्पन्न हुए और दोनों साथ साथ रहे। एक का नाम हुआ रविचूर और एक का नाम हुआ मणिचूर। अब दोनों की आयु समान है, देवों में भी बहुत अच्छा जीवन होता है। जो लोग यहां से सम्यक दर्शन के साथ में देव गति में उत्पन्न होते हैं वे लोग वहां पर भी उत्पन्न होने के बाद में अपने जीवन में धर्म की प्रधानता रखते हैं। वहां पर भी हर स्वर्ग के अंदर एक अकृत्रिम जिनालय होते हैं और उन अकृत्रिम जिनालय में 108 जिनबिंब भी होते हैं और उन सब की पूजा वंदना वहां पर भी सब तरह की स्तुति करने का उन्हें अपने आप अपने मन से भाव बनता है। क्योंकि अवधि ज्ञान से जैसे ही वो जन्म होने के उपरांत अपने अवधि ज्ञान से देखते हैं कि हम यहाँ क्यों उत्पन्न हुए, तो इतना बड़ा हमने धर्म किया, मुनि जीवन के साथ में हमने संलेखना मरण किया, अंत अंत तक हमने प्रार्थना की कि भगवान आपका नाम स्मरण मेरे मुख से निकलता रहे, उसी के कारण से हमें आज ये सौभाग्य मिला है कि हम इतने बड़े स्वर्ग में आकर के उत्पन्न हुए हैं। तो वह सबसे पहले वह भोग कार्यों में नहीं लगते, वो सबसे पहले जिनालय में जाते हैं और वहां जाकर के पहले भगवान की पूजा आदि के कार्य अच्छे ढंग से संपादित करते हैं, तब अपनी राज्य सभा में देव सभा में बैठते हैं। इस तरह का कार्य वहां पर भी चलता है। फिर उन्हें स्मरण आता है अब तो हम देव गति में हैं, अनेक प्रकार की रिद्धियां होती हैं उनके पास में, तो वह रिद्धियों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में जहां पर हमेशा तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं उन समव शरण में साक्षात दर्शन करने का, भगवान का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य मिलता है और वह साक्षात अनियंत भगवान को देखने के लिए समव शरण में पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उपदेश सुनते हैं और इस तरह से पूरा अपना जीवन धर्ममय भी बिताते हैं। कौन की बात कर रहा हूं? देवों की बात कर रहा हूं। और वो देव कौन से होंगे? जो यहां पर धर्म के साथ अपने प्राणों का विसर्जन किए होंगे, जिन्होंने धर्म के साथ शरीर छोड़ा होगा वही वहां पर जाकर के इस तरह के धर्म भाव से जीते हैं और ऐसा धर्म भाव से जीने के बाद में वे दोनों देव अब जब अपनी आयु पूरी कर लेते हैं तो ये बात निश्चित है कि देव गति के बाद में उन्हें अपने पुण्य से अपने धर्म के प्रभाव से फिर एक उत्कृष्ट मनुष्य जन्म मिलता है। कहां जन्म मिलता है, कहां वो उत्पन्न होते हैं, यह आगे का कथन अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। सब लोगों को अच्छा लग रहा है? कथा कहानियां कम पसंद आती हैं आप लोगों को? ज्यादातर लोग बड़े बड़े भावों में रहते हैं, हमें सिद्धांत पढ़ाओ, हमें अध्यात्म पढ़ाओ, और हम आपसे क्या सुना रहे हैं, है ना, शांतिनाथ भगवान की कथा। लेकिन हमें लगता है आपकी उपस्थिति बता रही है कि आप लोग बड़े उल्लास के साथ में भगवान शांतिनाथ को सुन रहे हैं, तभी आप लोग समय पर आकर के शांत भाव से बैठ जाते हैं कि आज हमें फिर भगवान के जीवन के बारे में और आगे देखना है क्या होने वाला है। काव्य नंबर 8। लेभे ततोनुकृत पुण्य मतिर्विदेहे, जन्मा पराजित सुतो बलभद्रगुत्या,
मरणं प्रसाद्य रत्नत्रयेण किल सोभवदच्युतेन्द्रः इसका हिंदी में पहले भाव पढ़ते हैं। फिर विदेह की पुण्य धरा पर जन्म लिया वह जीव सुधी अपराजित शुभ नाम लिया औ पदवी थी बलभद्र निधि संयम निधि को पाकर फिर से मरण समाधि साध लिया रत्न त्रय दल से मह जीवन अच्युतेन्द्र का पाए जिया। आगे जब यह जीव स्वर्ग से च्युत होते हैं तो अब यह जम्बूद्वीप के ही विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होने के लिए इनकी स्थिति बनती है। विदेह क्षेत्र में भी कर्म भूमियां हैं जहां हमेशा तीर्थंकरों का वास रहता है और हमेशा धर्म का मार्ग मोक्ष मार्ग के लिए खुला रहता है। ऐसे स्थान पर जाकर के यह जन्म लेते हैं विदेह क्षेत्र में जहां पर पहले से ही इनके पिता माँ सभी लोग धर्म भाव के साथ में पुण्य भाव के साथ में नित्य प्रति अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि धर्मात्मा जीवों का जन्म भी धर्मात्मा माता पिता के गर्भ से ही होता है। इसलिए इन दोनों जीवों का जन्म जब वहां हुआ तो ये दोनों फिर से भ्राता बने, भाई बने, सगे भाई बने और अपने पुण्य के प्रभाव से वह पुण्य जो देव पर्याय से पहले अमित तेज विद्याधर ने अपनी तपस्या से अर्जित किया था उस पुण्य के प्रभाव से ये दोनों ऐसे बलशाली श्रेष्ठ पुरुष बने कि यह आगे चलकर के बड़े होकर के बलभद्र नाम के पद से सुशोभित हुए। जिस तरह से तीर्थंकर नारायण प्रति नारायण ये पदवी होती है उसी तरह से बलभद्र की भी एक बहुत बड़ी पदवी होती है और यह जीव जो आगे तीर्थंकर बनेंगे ये पहले ही बलभद्र बनकर के सुशोभित हो रहे हैं और इनके साथ में एक नियोग होता है। अपने आप क्यों कहें, भावों के कारण से या प्रकृतिकृत एक ऐसा नियोग बनता है कि जो बलभद्र होते हैं उनके भाई नारायण होते हैं। बलभद्र और नारायण की जोड़ी चलती है और दोनों बड़े भ्रातृ प्रेम से बड़े मोहित रहते हैं एक दूसरे पर। जैसे राम और लक्ष्मण के बारे में आपने सुना होगा, राम जी बलभद्र थे और लक्ष्मण नारायण थे, ठीक यही स्थिति यहां है। ऐसे दोनों भाइयों में जैसे राम लक्ष्मण में आपस में स्नेह था, प्रेम था, ऐसे ही इन दोनों भाइयों में भी प्रेम है, स्नेह है और ये दोनों भाई भी वृद्धि को प्राप्त होकर के अपनी युवा अवस्था में बलभद्र और नारायण पद से सुशोभित होते हैं। जब ये इस तरह से अपना जीवन आगे बढ़ाते हुए बलभद्र और नारायण पद पर आरूढ़ हो जाते हैं तो इनका प्रभाव विदेह क्षेत्र की उन नगरियों में जहां पर अनेक मनुष्य रहा करते हैं और जहां हमेशा चतुर्थ काल चलता रहता है, पांच से धनुष की अवगाहना वाले मनुष्य हुआ करते हैं,
उन नगरियों में यह बड़े बड़े पदों को धारण करने वाले ये दो महापुरुष दोनों भाई भाई के रूप में सर्वत्र जानने में आ जाते हैं। जो शांतिनाथ भगवान का जीव है, जो पहले अमित तेज विद्याधर था, रवि चूल नाम का देव बना, वह आगे चल करके अब इस भव में विदेह क्षेत्र में क्या बन गया, अपराजित नाम का बलभद्र बन गया। और जो उनका श्री विजय नाम का पूर्व जन्म में भाई था, वही आगे मणिचूल देव बन करके और फिर आगे चल करके उनका अनंत वीर नाम का वह नारायण बन गया। अब उस नारायण का नाम क्या है, अनंत वीर। दोनों बड़े प्रेम भाव के साथ राजपाट करते हुए सुख से जीवन जी रहे हैं। और यह उनके सामने एक विशेषता आती है कि उन दोनों के यहां पर दो विशेष नर्तकियां रहती हैं। नर्तकी जानते हो, विशेष रूप से नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं जो होती हैं। राजा होते हैं तो उन्हें इस तरह की सब सुविधाएं, सब विलासिताएं मिलती हैं। तो उन नर्तकियों का नाम दूर दूर तक है, दूर दूर तक मतलब अपने देश में, विदेश में, जैसे यहां ये भारत देश है, विदेश है, ऐसे दूर दूर तक उनका नाम है कि अपराजित और अनंत वीर के यहां पर जो दो नर्तकियां हैं, ये जिस तरह का नृत्य हाव भाव विलास जानती हैं, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं जानता। इनकी जैसी सुंदरता है, इनके नृत्य को देख करके जैसे लोग मोहित होते हैं, ऐसा नृत्य कोई दूसरा करना नहीं जानता। ऐसी चर्चा फैली हुई है दिग दिगंत तक, और वह चर्चा कई लोगों को सुनने में आ जाती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज को देखकर सुनकर किसी दूसरे को बताने के लिए इसलिए तत्पर रहते हैं कि इनके पास में चीज क्यों है। और इस तरह के लोग भी भ्रमण किया करते हैं। एक ऐसा ही व्यक्तित्व उनके सामने पहुंचता है जब वह राज दरबार में ये नर्तकियां नृत्य कर रही थी, और उस व्यक्तित्व को किसी ने कुछ भी भाव नहीं दिया। वह राज दरबार में पहुंचा, विद्याओं के माध्यम से उड़ना जानता है, अनेक प्रकार से वह लोगों के संबंध बिगाड़ना और बनाना भी जानता है। ऐसे भी कुछ व्यक्तित्व होते हैं। और वह व्यक्ति जब राज दरबार में पहुंचा, इन दोनों भाइयों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो उसे लगा कि इन्होंने अपने वैभव विलासिता के अहंकार में मेरा अपमान कर दिया है। तो वह खेद खिन्न होकर के ढूंढता है कि इन पे भारी पड़ने वाला कौन होगा, इनका शत्रु कौन होगा। तो वह एक राजा के पास पहुंचता है, और उस राजा का नाम है दमितारी। क्या है, दमित कर दिए जिसने अरि माने शत्रुओं को, ऐसा उसका नाम है दमितारी राजा। उस राजा के पास में वो व्यक्ति पहुंचता है और कहता है कि आप इतने बड़े राजा हैं, आपका प्रभाव इतना बड़ा है, लेकिन आपके पास में वो चीज नहीं है जो हम देख करके आए हैं। क्या देख करके आए हैं, हमारे राज्य में तो सब कुछ है, पूरे राज्य में सब तरह की विलासिताएं हैं, सब तरह के हमारे पास में धन संपदाएं हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है, वो है ही नहीं आपके पास, क्या है। तो वो बताता है, दो नर्तकियां जिनका नाम दुनिया में फैला हुआ है, वो केवल उन अपराजित के पास में है, वो आपके पास नहीं है, जबकि वो होनी चाहिए आपके पास। श्रेष्ठ लोगों के पास ही अच्छी चीजें हुआ करती हैं। जैसे चूड़ामणि रत्न होता है, अगर वो पैरों में पड़ा हो तो सुशोभित नहीं होता है। चूड़ामणि रत्न तो सिर के ऊपर ही सुशोभित होता है। वे दोनों नर्तकियां वहां के लायक नहीं है, और वे दोनों जो भाई हैं
वह उन दोनों नर्तकियों को अपने पास रखे हुए हैं, वो तो आपकी राज्य सभा में सुशोभित होनी चाहिए। मेरा मन है कि आप जैसे बलवान शत्रुओं का दमन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ राजा, उनके पास में ऐसा वैभव होना चाहिए, और यह सब अगर यहां होगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सुन रहे हो? ये कौन सा कार्य कहलाता है? कौन सा वाला काम बोलते हो? बोलो तो, आप लोग तो करते ही रहते हो सब काम। असुरों वाला काम कहलाता है ये। क्या बोलते हैं इसको? भिड़ाने का काम। आपकी लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलते हैं इसको? कोई अपना अपना जीवन जी रहा हो सुख पूर्वक, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन फिर भी जाकर के उंगली कर देना और उसको चैन से रहने नहीं देना, और जो चैन से रह रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं उपद्रव खड़ा कर देना, ऐसा भाव भी कई लोगों के मन में बना रहता है, और ऐसे व्यक्तित्व दुनिया में हर जगह मिल जाते हैं। कर्म भूमि में तो मिलेंगे, भोग भूमि में कोई नहीं मिलेगा ऐसा। तो विदेश क्षेत्र में भी इस तरह के लोग घूमते घूमते पहुंच जाते हैं। दोनों भाइयों का जीवन सुख पूर्वक चल रहा था, जाकर के दूसरे राजा को भड़का दिया और उपद्रव खड़ा कर दिया। वो राजा भी कम नहीं था, कहने लगा मेरा नाम क्या है जानते हो? जिसके आगे कोई शत्रु टिक नहीं सकता, जिसने अपने प्रचंड बल से सारी दिशाओं में अपना नाम प्रसिद्ध कर रखा है, दमितारी। ऐसा मैं जो दमितारी नाम का राजा हूं, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर आपने कहा है कि वे दो नर्तकियां यहां सुशोभित होनी चाहिए हमारे राज्य में, तो वो यहीं पर होंगी। आप थोड़ी देर इंतजार करो, कुछ दिन आप इंतजार करो, उन दोनों नर्तकियों को मैं अपने पास बुलाता हूं। श्री जिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जन मन हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई, सासद मोख पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।